लिए हमें टिकट लेना है। एंट्री टिकट है एक जन का 90.48 दिरहम। इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने इस गार्डन की एंट्री प्राइस आपके साथ शेयर की थी, लेकिन साउंड थोड़ा सा लाउड होने की वजह से प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वापस से मैंने प्राइस आपके साथ शेयर किया है स्टार्टिंग में। और अभी आप देख सकते हैं ये आगे की वीडियो। इस पार्क में बहुत सारे गेम्स भी बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप छोटे बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ में गार्डन में जाते हैं तो बच्चों के लिए ढेर सारे यहाँ पर गेम्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर बच्चे जाकर गेम्स खेल सकते हैं कुछ पैसा पे करने के बाद। हर चीज़ इस गार्डन में आपको मिल जाती है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए ढेर सारे गेम्स हैं, अलग से स्पेशल पार्क बनाया है, बहुत सारे बड़े बड़े टॉयज़ के साथ में बच्चों के लिए इंडिविजुअल गार्डन भी है। आप देख सकते हैं राइट साइड में ढेर सारे कार्टून के साथ में बच्चों के लिए ये बड़े बड़े टॉयज़ रखे हैं, जहाँ पर बच्चे जाकर खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और इसी के अपोजिट में लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा बच्चों के लिए स्पेशल पार्क भी है, जिस पार्क में आप बच्चों को लेकर जा सकते हैं और आपके बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं रंग बिरंगे फूलों के साथ ये खूबसूरत गार्डन इतना सुंदर है, जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते हैं। जब हम यहाँ जाते हैं, जाने के बाद ही हम इसे देखकर बहुत इंजॉय कर सकते हैं और अपनी तमन्नाएं पूरी कर सकते हैं। अगर आप फूलों से बहुत प्यार करते हैं, नेचर से बहुत प्यार करते हैं, तो इस गार्डन में जाने के बाद आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत पार्क है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ फूलों से इतने सारे डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और ढेर सारे आपको यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों के लिए ये इतने बड़े बड़े टॉयज़ हैं, जहाँ पर जाके हम लोग भी पिक्स लेते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, बहुत सारी फ़ोटोग्राफी करते हैं, इंजॉय करते हैं। और इस गार्डन में आप यहाँ पर सुवेनियर शॉप्स भी देख सकते हैं, जहाँ पर यहाँ के जो फेमस कॉस्ट्यूम्स हैं, अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो इस गार्डन में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। गॉगल्स आप देख सकते हैं, ढेर सारी एसेसरीज़, हर चीज़ इस गार्डन में अवेलेबल है। और ये आप देख सकते हैं छोटा सा हाउस, इस हाउस के अंदर से म्यूज़िक की साउंड आती है, खूबसूरत म्यूज़िक बजता है और आप म्यूज़िक का लुफ्त ले सकते हैं। कॉपीराइट की वजह से मैंने ये म्यूट किया है पूरा साउंड, लेकिन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हाउस है और इसके अंदर से साउंड जो आती है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा रहता है। चारों तरफ फ्लावर्स और उसके साथ में म्यूज़िक, बहुत ही अमेजिंग गार्डन है, रियली मैजिकल गार्डन है ये। यहाँ पर जाने के बाद आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आप सपने में देखते होंगे शायद ऐसा फ्लावर गार्डन, लेकिन रियल में ये गार्डन यहाँ है, जहाँ पर आप दुनिया भर के फूलों का आनंद ले सकते हैं। और सामने देखिए लकड़ी का ये चरखा पानी से चलते हुए। इस गार्डन में इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलती हैं। ये छोटा सा तालाब बनाया है और इसी पानी से चरखा चलते हुए आप देख सकते हैं। सच में बहुत ही अद्भुत गार्डन है। अगर आप गार्डन में घूमते घूमते थक जाते हैं तो बैठने के लिए यहाँ पर आराम चेयर रखी हैं और ढेर सारे यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी है, जैसे बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, अगर कुछ खाना है तो खा सकते हैं। इस दिन का टाइम है, हम भी लंच करने जा रहे हैं, तो लंच में यहाँ पे जो यहाँ पे अवेलेबल है चीज़ें वही ले सकते हैं। तो हम लोग पिज़्ज़ा एक ऑर्डर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी पिज़्ज़ा की, बहुत सारी वैरायटी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे,
मैंने कार्ड बाहर ही लगा रखा है। पिज़्ज़ा काउंटर पे आ गए हम लोग, देखते हैं एक पिज़्ज़ा लेते हैं और हम भी लंच कर लेते हैं। नंबर वन इस काउंटर में वेज पिज़्ज़ा तो नहीं मिला, हम प्योर वेजिटेरियन है इसलिए हम वेजिटेरियन खाना ही ढूंढेंगे, उसके बाद ही हम लंच करेंगे। चलिए आगे कुछ और रेस्टोरेंट है वहाँ देखते हैं। गार्डन के अंदर रेस्टोरेंट है, देखिए कितना ब्यूटीफुल बनाया, पूरी छतरी टगी हुई है रंग बिरंगी, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे प्लेस बना रखा है जहाँ रेस्टोरेंट है सारे। आपको दिन भर घूमने के बाद आपको सारे यहाँ पे डिशेज मिल जाएंगे खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ढेर सारे फूड्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने लिए फूड्स ढूंढ सकते हैं। चलिए हम भी देखते हैं। फाइनली हमें इंडियन फूड मिल गया और हमने एक खूबसूरत रोमांटिक प्लेस को अपने लिए चूज़ किया है जहाँ पर हम हमारा लंच कम्प्लीट करेंगे। नान लेके आए जो थोड़ा सा कड़क था, वापस उसे चेंज करने के लिए गए हैं, तब तक हम खाना सर्व कर लेते हैं। बाकी वैसे दुबई में इंडियन फूड आराम से मिल जाता है, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, जैसे बाकी कंट्री में बहुत इम्पॉसिबल होता है मिलना, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है जब हम बाहर जाते हैं टूर पे, लेकिन दुबई में ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया का खाना हमें बहुत जगह में मिल जाता है, अच्छा प्योर वेज भी यहाँ पर मिलता है। कंप्लेंट करने के बाद हमारे लिए गर्मा गर्म नान भी आ गया है, चलिए देखते हैं। रेस्टोरेंट की सुपरवाइजर हैं जो हमारे इंडिया की ही हैं और इतना कंफर्टेबल फील हुआ इनके साथ में, इन्होंने ही हमें खाना अभी सर्व किया है। और जब आप लोग भी आए तो इनके रेस्टोरेंट में जरूर आए, देखते हैं खाने का टेस्ट। हाँ मिरेकल गार्डन में जब आते हैं आप तो इनके रेस्टोरेंट आए। रेस्टोरेंट का नाम अलनादी, हाँ अलनादी, इंडियन प्योर इंडियन फूड मिल जाएगा आपको यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से इनके रेस्टोरेंट में मिलता है। तो चलिए देखते हैं खाना कैसा बना है, और वैसे तो खाना तो एकदम इंडियन खाना है, टेस्टी बना, टेस्टी बना होगा ऑब्वियसली। चलिए खाना खा लेते हैं, टेस्ट तो खा के पता चलेगा, देखते हैं टेस्टी होना चाहिए। मटर पनीर, ये मटर पनीर की सब्जी है। चलिए थोड़ा सा खा के देख लेते हैं। लंच में है नान, वेज पुलाव, मटर पनीर और रायता। अच्छा टेस्ट, गरम गरम है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल जैसा हम खाना घर पे खाते हैं उसी तरह का खाना है, अच्छा बना है। आप कभी ये गार्डन में आए तो ये खाना आप खा सकते हैं। गाइस खाना तो बहुत अच्छा है, भूख भी लगी है, चलो मैं खाना खा लेती हूँ और आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं आगे। पूरे गार्डन में वेज फूड ढूंढने के बाद एक कॉर्नर में वेज फूड का मिला जहाँ पर हमें प्योर वेजिटेरियन खाना मिला। अगर आप गार्डन में आते हैं प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक फूड कॉर्नर अवेलेबल है जहाँ से आप अपने लिए वेज फूड ऑर्डर कर सकते हैं। लंच कंप्लीट करने के बाद हमने वापस से गार्डन की ओर रुख किया और खूबसूरत फ्लावर्स को इंजॉय किया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये प्लेस है, ये खूबसूरत फ्लावर से बना हुआ बड़ा सा मिकी माउस एक बहुत बड़ा हार्ट लेके बैठा है जो कि आप देख सकते हैं। रंग बिरंगे फूलों से सजा ये गार्डन सच में मैजिकल है, ये मैजिकल गार्डन ही है एक्चुअली में। यहाँ जाने के बाद आप दुनिया भर के फूलों का नज़ारा देख सकते हैं। ये खूबसूरत एक बड़ा सा प्लेन है, स्ट्रक्चर तो प्लेन का है लेकिन पूरे फ्लावर से भरा हुआ है। मैं एक फ्लावर लवर हूँ, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं कहना चाहूँगी इस गार्डन का ये नज़ारा
किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से इस गार्डन को सजाया गया है, कितनी मेहनत की होगी इस गार्डन को बनाने में। बहुत ही खूबसूरत और एक अमेजिंग अमेजिंग गार्डन है। जितनी भी तारीफ़ की जाए इस गार्डन की वो कम है। एक गार्डन है, इसकी मैंने इतनी सारी वीडियोस शेयर कर दी हैं क्योंकि मैं फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने ढेर सारी इसकी वीडियोग्राफी की है। एक एक फूल मैंने कैप्चर किया है अपने कैमरे में जो कि मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा करती हूँ कि मेरी तरह ही आप लोगों को भी ये मैजिकल गार्डन अच्छा लग रहा होगा। मेरी नेक्स्ट अपलोड में आप देखेंगे इस गार्डन की कुछ अनदेखी झलकियों को और खूबसूरत फ्लावर्स को। पूरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सारे व्यूअर्स का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई खूबसूरत अपलोड के साथ में, इसी गार्डन की नई झलकियों के साथ में।